गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कढ़ी की रेसिपी। देखिए, ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट होती है, और जैसा कि अभी जन्माष्टमी गई है तो उसके बाद सबके घर में, जिनके भी घर में मोस्ट ऑफ द लड्डू गोपाल होते हैं, छठी उत्सव मनाया जाता है। तो छठी पर बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बनती है। तो बिना लहसुन प्याज की कढ़ी टेस्टी कैसे बनती है, आज मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये मट्ठा ले लिया है, तो इस मट्ठे में अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाल दिया, ये डाल दिया है मैंने काला नमक। मैं जितना सफ़ेद नमक डालती हूँ उतना ही काला नमक डालती हूँ, आधा काला आधा सफ़ेद नमक। ये सफ़ेद नमक डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी हल्दी, और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। देखिए, इसमें कोई गांठ नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए ये। ये देखिए, ये मिक्स हो गई है अच्छे से। अब हम इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। देखिए, गैस पर चढ़ाने के बाद ये ध्यान रखना है कि जब तक कढ़ी में उबाल ना जाए तब तक उसमें चमचा बराबर चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने रोक दिया तो हमारी कढ़ी फट जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक ये बराबर चलाते रहना है। अभी देखिए, ये हमारी कढ़ी में उबाल आने लग गया है। ये देखिए, तो अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए, कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उसमें टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। तो कढ़ी को पकने के लिए अगर आप 4 मेंबर की कढ़ी बना रहे हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए। देखिए, बेसन कढ़ी में ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालने से आपकी कढ़ी एक लेसदार बन जाएगी और उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। आपकी मट्ठा ज़्यादा होना चाहिए और बेसन कम, और पतली घोली कढ़ी। फिर उसके बाद वो जब धीमी धीमी आंच पर पकते पकते गाढ़ी हो जाएगी तो उस कढ़ी में टेस्ट अलग ही आता है। कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। देखिए, कसूरी मेथी का कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए कसूरी मेथी ज़रूर यूज कीजिएगा। ये देखिए, मैंने कसूरी मेथी मिक्स कर दी है। अब इस कढ़ी को अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा उबाल आ रहा है हमारी कढ़ी में। इस तरीके से ही आपकी कढ़ी कम से कम आधा घंटा पकनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपनी कढ़ी को पतली रखिएगा कि जिससे कि पकते पकते वो गाढ़ी हो जाए। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तब तक हम पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है, उसके बाद उसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से चलाते हुए इसका अच्छा पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए, आपको इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर पेस्ट टाइट होगा तो आपकी पकौड़ियाँ भी टाइट बनेंगी और उनमें कढ़ी नहीं भर पाएगी। और अगर आपका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होगा तो उससे आपकी पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बनेंगी और उनमें अंदर तक कढ़ी चली जाएगी। ये देखिए, इस तरीके का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसे अच्छे से एक साइड फेंटते हुए तैयार कर लेना है। अब देखिए, फ्राई पैन में मैंने चिकनाई चढ़ा ली है। अब इसमें चम्मच की हेल्प से इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी। देखिए, फूलने के बाद थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ी छोटे छोटे साइज़ की ही मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। इस तरीके से पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। अब इस तरीके से चलाते हुए इन्हें दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और ये देखिए, ये पकौड़ियाँ हमारी सीख गई हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी पकौड़ियाँ कितनी स्पंजी बनी हैं। ये देखिए, तो अब हमारी कढ़ी भी पक गई है अच्छे से और पकौड़ियाँ भी तैयार हैं। तो अब हम कढ़ी को फ्राई करने के लिए सामान निकाल लेते हैं।
तो देखिए मैंने सामान निकाले, सबसे पहले मैंने लिए 3-4 से 5 ये साबुत लाल मिर्च, ये तेज पत्ता करी पत्ता और 4 से 5 काली मिर्च, और ये लिए मैंने पीपल। पीपल को मैंने अच्छे से कूट लिया है। ये देखिए आपके पास जो भी साबुत मसाले अवेलेबल हों, जैसे कि बड़ी इलायची, लौंग, आप सब यूज कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने फ्राई करने के लिए मेथी दाना। अब ये देखिए कढ़ी हमारी कितनी अच्छी हो गई है, पकते पकते गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसे फटाफट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं चढ़ा लूँगी सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छा से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद उसमें सबसे पहले डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाना चटकने के बाद हम इसमें अपने साबुत मसाले ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे फिर हम अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, या फिर आपको अगर तीखी खानी है तो लाल मिर्च। देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, इनका कलर अच्छा गया। अब इसमें मैं अपनी कढ़ी छोड़ दूँगी। ये देखिए ये अब मेरी कढ़ी तैयार है। इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। अब इसमें ऊपर से सबसे लास्ट में डाल दूंगी धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये देखिए थोड़ा गरम मसाला डाल दिया और ये डाल दिया धनिया पाउडर। लास्ट में जब आप गरम मसाला और धनिया पाउडर डालते हैं तो उससे कढ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब ये देखिए हमारी कढ़ी से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। अब ये देखिए मैंने घी का तड़का लगा दिया इसमें ऊपर से लाल मिर्ची का। तो अब ये कढ़ी हमारी तैयार है, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल ली है। तो अब हमारे लड्डू गोपाल की छट्टी की तैयारी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।